सूचना के आधार पर जो है बेनी बेघर चौक पर छापेमारी की है और एक मोटरसाइकिल के साथ शंकर राय को गिरफ्तार किए हैं, जिसमें एक डब्बा में चुलाई शराब भरा हुआ था। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। बिहार में इन दिनों शराब माफिया शराब बेचने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। एक तरीका इन्होंने और ढूंढ लिया है, दूध का। जी हाँ, जहाँ एक तरफ पुलिस डाल डाल तो शराब माफिया पात पात। जी हाँ, बिहार में इन दिनों कुछ ऐसा ही हो रहा है। ये जो ताजा मामला बताया जा रहा है ये हाजीपुर का बताया जा रहा है, जहां पर एक दूध विक्रेता या यूं कह ले शराब विक्रेता शंकर राय, जिनका नाम शंकर राय है, अपने बाइक पर दूध का 6 डिब्बा लिए हुए थे। पुलिस को और मद्य निषेध विभाग को गुप्त सूचना के आधार पर जब यहां छापेमारी की गई, जब उस इलाके में वो गए और उस दूध कारोबारी उर्फ शराब कारोबारी शंकर राय को पकड़ा गया और उस बाइक पे जो 6 डिब्बे दूध के टंगे थे उसकी जब उसको जब खंगाला गया तो उसमें 15 लीटर देशी शराब बरामद की गई। जी हाँ, हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये वही दूध का डिब्बा है जिस पर शंकर राय दूध बेचने का ढोंग करते थे। हालांकि जो कारोबार चल रहा था वो तो होम डिलीवरी शराब का कारोबार चल रहा था। आप पॉलिथीन में जो देख पा रहे हैं वो देसी शराब है और ये 15 लीटर देसी शराब बरामद की गई है और इसका होम डिलीवरी किया जा रहा था। अगर पुलिस की बात करें तो उनके अनुसार कही जा रही है कि 2022 आने वाला है, यानी कि नया साल शुरू हो रहा है। ऐसे में जो लगातार छापेमारी की जा रही है और जो शराब माफिया है वो भी सतर्क हो रहे हैं और नए नए तरकीब निकाल रहे हैं शराब बेचने के लिए कि किस तरीके से पुलिस से छुपकर शराब को बेचा जाए। जरा सोचिए, हम जो ये पूरी घटना बता रहे हैं ये पूरा का पूरा घटना जो है हाजीपुर का है। हाजीपुर के बेनी भगत चौक के पास कल दोपहर घेराबंदी कर एक बाइक सवार को गिरफ्तार कर किया गया है, जिसका नाम बताया जा रहा है शंकर राय, और वो दूध के आड़ में शराब का व्यापार करता था। वही पुलिस के मुताबिक अगर बात करें तो जो शंकर राय है वो ब्रिज थाना क्षेत्र के तेरसिया का निवासी है, जो दूध के आड़ में शराब की होम डिलीवरी करता था। और ये सारी जो तैयारी की जा रही है वो नए साल पर की जा रही है। देखिए पुलिस विभाग का क्या कुछ कहना है, आप ये भी सुन लीजिए। गुप्त सूचना मिल रही थी प्रतिदिन की दूध जो डब्बा लेके जाता है उसमें चुलाई शराब का होम डिलीवरी करता है, तो हम लोग गुप्त सूचना के आधार पर जो है बेनी बेघर चौक पर छापेमारी किए और एक मोटरसाइकिल के साथ शंकर राय को गिरफ्तार किए, जिसमें एक डब्बा में चुलाई शराब भरा हुआ था। बाकी कई डब्बा था सर, क्या कितने डब्बा था टांगा हुआ? टोटल लगभग 6 डब्बा था मोटरसाइकिल में। हाँ, तो उसमें से एक डब्बा में था, बाकी डब्बा में दूध था। उसको दूध की आड़ में माना जाए? हाँ, दूध की आड़ में चुलाई शराब का होम डिलीवरी करता है। और हम लोग हैप्पी न्यू ईयर जो आने वाला न्यू साल है उसको देखते हुए सघन छापेमारी कर रहे हैं। कल ही भट्टी बहुत सारा भट्टी जो है कुमारपुर दियर में तोड़े थे और आज जो है सूचना रही थी तो हम लोगों ने छापेमारी कर उसको गिरफ्तार किया। कितने लीटर होगा? लगभग जुलाई सारा 15 लीटर। कीमत कितनी होगी? लगभग 3000। आगे कार्रवाई किसकी? आगे कार्रवाई गिरफ्तार करके उसको आगे कार्रवाई हो रही है, जेल भेजा जाएगा। तो आपने देखा कि पुलिस विभाग का क्या कुछ कहना है कि लगातार जिस तरीके से बिहार में जो शराब का अवैध कारोबार चल रहा है उसको लेकर लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन शराब माफिया भी किसी से कम नहीं है। अगर पुलिस डाल डाल है तो शराब माफिया पात पात। जी हाँ, जहां पुलिस एक तरफ लगातार छापेमारी कर रही है तो शराब माफिया एक के बाद एक नया तरकीब निकाल लेता है कि कैसे शराब को बेचा जाए। सवाल तो कई उठते हैं, नीतीश कुमार जो बिहार के मुखिया है, बिहार के मुख्यमंत्री है, जो शराबबंदी को अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बनाते हैं और उनकी ड्रीम प्रोजेक्ट को किस तरीके से शराब माफिया उनके शासन काल में धज्जियां उड़ा रहे हैं, इसकी ये तस्वीर है, इसकी ये ताजा तस्वीर है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।